टू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ फ्लाइट में जो कि दिल्ली से इस्तानबुल जा रही है, और अभी हम अपना ले रहे हैं मील। तो मैंने बोला है उनको पोहा के लिए, और साथ में मेरे पास कॉफ़ी भी है और एक व्यू। अचानक से बादल कुछ ज़्यादा नीचे हो गए हैं। पहली वाली फ़्लाइट में तो साथ में थे, पर अब थोड़ा ज़्यादा नीचे है, पर कोई नहीं। यहाँ पर ये जो पोहा होता है ना, मतलब वो रेडीमेड होता है, इसमें उन्होंने बस वाटर ऐड किया है। अब हम उसको 3-4 मिनट रखेंगे और वो बन जाएगा। और ये साथ में एक मॉम्स भुजिया का पैकेट भी हमें मिला है, और कॉफ़ी तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। मैंने पहली बार पोहा लिया है, वरना मैं यूजुअली इंस्टेंट नूडल्स ले लेती हूँ। खा के देखते हैं कैसा लगता है ये जो नज़ारे हैं ना। हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हों, बट ये एक्चुअली मुझे अभी बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं, क्योंकि जब मैं ये सारे व्यूज़ देख रही हूँ ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा दूर जा रही हूँ, मतलब घर से। साढ़े 7 घंटे की लंबी जर्नी के बाद फाइनली मैं इस्तानबुल में हूँ। इंडिया में अभी टाइम हो रहा होगा 1 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:41। सुबह 6:30 बजे निकली थी फ्लाइट, और अभी हम चलते हैं। हमारी जो दूसरी फ्लाइट है वो 3 घंटे की होने वाली है, और वो 2 बजे हम तो उसके लिए देखते हैं। इससे पहले वॉशरूम वगैरह जाते हैं, थोड़ी शक्ल ठीक करते हैं। कल सुबह से ट्रैवल हो रहा है ना, तो अभी तक तो मेरी हालत चली गई है, और मुझे काफ़ी लंबा दिन मिलने वाला है, क्योंकि टाइम इंटरवल का क्या पाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसफर बैगेज रिटर्न देखते हैं। पहली बार है जब मैं किसी दूसरी कंट्री में आई हूँ, तो ठीक है, देखते हैं, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है ये भी। ओके, सो वी आर हेयर इन इस्तानबुल, और हम एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं जा सकते हैं ऑब्वियसली, तो हम यहाँ एयरपोर्ट में ही रहने वाले हैं। पहले तो ना सबसे पहले मम्मी को फ़ोन करते हैं, काफ़ी परेशान हो रही थी, उसके बाद में फिर जाते हैं, देखते हैं चीज़ें। चेक इन में ना उन्होंने मेरी वाटर बॉटल रख लिया है, अभी तक तो कुछ नहीं था। इस्तानबुल में यहाँ के वो वाटर अलाउड नहीं था, मतलब आप नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने वो रख लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, पानी तो सहारा था मेरा। मतलब आज जो पोहा था ना, वो भी अच्छा नहीं था, मैंने खाया नहीं उसको सारा, पर ठीक है। मेरी माँ का फ़ोन नहीं उठा है, पता है, फिर चिंता करेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो यहाँ से चले जाऊँगी, फिर नेटवर्क वापस से नहीं मिलेगा। पर ठीक है, अब यहाँ आके थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज सुनाई दे रही है। अभी थोड़ी सी हालत उतारी है मैंने, और अब मुझे खुद में फ्रेश लग रहा है। शक्ल तो अच्छी नहीं लग रही है, बट इट इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए सही है। अभी ना वो फ़्लाइट की इन्फो डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं यहीं पे, फिर जब डिस्प्ले हो जाएगा तो फिर रिस्पेक्टिव गेट्स पे जाते हैं। हम बैठे हैं उसी कहीं तो बैठे चल के ना कुछ चार्ज करने का ढूंढते हैं, चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है, और कुछ खाते भी हैं। इस्तानबुल में 3 घंटे हैं हमारे पास, तो फूड कोर्ट है 190 मीटर्स पे, और शॉप्स तो हैं ही हर जगह, उसका भी बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर चार्ज कर लिया है मैंने फ़ोन, अब ना गेट नंबर डिस्प्ले हो गया होगा, तो वो चेक करना पड़ेगा और फिर गेट पे जाना पड़ेगा, वरना लेट हो जाएंगे। ज़्यादा चार्ज नहीं है, पर ठीक है, मतलब 40% है, गुड, पहुँच जाएंगे हम उस टाइम पर।
ट्वेल्थ गेट पे जाना है हमें 12B में। यार ये कितना प्यारा है ना, मतलब कितने ब्यूटीफुल, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन सब कुछ कितना ऐसे अच्छा लग रहा है देख के बहुत। वैसे ये मॉल एयरपोर्ट जैसे होते हैं या एयरपोर्ट मॉल जैसे? मुझे कुछ खाना था, ऐसे सोते सोते काम करती हूँ ना, अब वो खाना रह गया है मेरा। पर अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो गेट तक ही पहुँचना पड़ेगा ना। एंड एक्चुअली 12th तक जाना है, B12। एवरी गेट में आप ऐसे बहुत सारे मल्टीपल हैं ऑप्शन। B12 इज दिस वर्किंग? क्या चल रहा है? ये चल रहा है यार, मतलब ठीक है होता। तीन घंटे यहाँ पे बिताने के बाद अब समय आ गया है संडे को बाय बाय बोलने का, और संडे का हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। बहुत मिक्स्ड इमोशन है संडे। जो टिकट्स हैं फ्लाइट की और जो फ्लाइट है वो टर्किश एयरलाइंस। तो मैं बैठ गई हूँ सीट में और मेरी 6 नंबर की सीट है, काफ़ी पहले है। विंडो सीट नहीं है इस बार हमारी, मिडिल की सीट है। और यहाँ सामने स्क्रीन भी है, मैंने ईयरफोन भी लगा लिए हैं और अब मैं कुछ देखूँगी। और 3 घंटे में हम हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। ओके इट्स टाइम फॉर मील अगेन। तो यहाँ पर जो मील में दो ऑप्शन थे, एक था पास्ता विथ टमाटो और दूसरा ऑप्शन था मीट विथ राइस। तो मैंने पास्ता लिया है और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। साथ में वी हैव सैलड और कोल्ड ड्रिंक भी हमें मिली है, लाइक काफ़ी ऑप्शन थे, मैंने पेप्सी लिया है। इसके अलावा है हमारे पास डिज़र्ट है, सैलड उन्होंने दिया है और वाटर है साथ में। तो यार अब मैं खा के देखती हूँ कैसा है। गुड इवनिंग, फाइनली मुझे पता है यहाँ तो गर्मी चल रही है पर यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। यार फोन बहुत तंग कर रहा है, बार बार बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। देखते हैं चार्ज करते हैं, देखते चेक इन लगेज में ना बैग वगैरह भी लेने हैं, तो चल के देखते हैं सब। बहुत लंबी जर्नी के बाद आप तो खुद ही कैलकुलेट करके बता दोगे यार, पचमढ़ी से निकलने से लेके अब तक का कितना टाइम मैंने ट्रैवल किया है। बट यस यस यस, आई एम हेयर इन माय फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है हेलसिंकी फिनलैंड। और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। एंड इस व्लॉग के लिए इतना ही, बाकी सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सी यू देन, टिल देन यस बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।